टाटा पावर का ईवी स्टेशन कैसे स्टार्ट करें, कैसे अप्लाई करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, साथ ही खर्चा कितना आएगा और आपकी जो इनकम है वो कैसे होगी, कितनी होगी, इसकी पूरी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। अगर देखा जाए तो देश में अभी 6000 ईवी स्टेशन टाटा के हैं और भी दूसरी कंपनियों के हैं, लेकिन टोटल जितने भी ईवी स्टेशन है उसमें से 50% टाटा पावर के ईवी स्टेशन है और इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी फोर व्हीलर में टाटा का नाम काफी ऊपर है इस समय। आगे फ्यूचर आने वाले में पता नहीं कौन सी कंपनी सबसे टॉप पे रहेगी, लेकिन आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने में और उसकी सर्विस देने में टाटा का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। तो इसीलिए अधिकतर लोग टाटा का ईवी स्टेशन लगवाना चाहते हैं और वहां पर अप्लाई कर रहे हैं। आखिर ईवी स्टेशन लगवाने के लिए लोगों में इतनी होड़ क्यों है और इसे लगवाना क्यों है फायदेमंद, चलिए मैं आपको समझाता हूं। टाटा का एक कार है ईवी नेक्सॉन, नेक्सॉन ईवी कह लीजिए, टाटा की ही एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कार है नेक्सॉन जो कि काफी ज्यादा इंडिया में बिक रही है। अभी अगर आप इस कार को खरीदते हैं तो टाटा की तरफ से आपके घर में एक सॉकेट इंस्टॉल किया जाता है, चार्जिंग सॉकेट, जिससे आप अपनी कार को चार्ज कर सकते हैं। अगर आप इसको घर में चार्ज करते हैं, जैसा कि आपका मीटर अभी नॉर्मल है 1 किलोवाट 2 किलोवाट 4 किलोवाट, तो गाड़ी फुल चार्ज होने में 5 से 6 घंटे लेती है और 5 से 6 घंटे में ये गाड़ी फुल बैटरी की चार्ज होती है, जिससे आप 320 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर ले जाते हैं तो गाड़ी करीब 56 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है। और अगर पैसों की बात करें तो घर पर चार्ज करने के लिए इसकी जो बैटरी है वो 30 kVH की बैटरी है, करीब 30 kVH की बैटरी है, यानी इसको फुल चार्ज करने में घर के यूनिट की 30 यूनिट लगेगी। एक यूनिट का 7 रुपए खर्चा है कम से कम काफी सारे स्टेट में, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 212 रुपए का खर्चा आता है, साथ ही आपके 5 से 6 घंटे फुल चार्जिंग में लग जाते हैं। अगर इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर ले जाएंगे, जो कि इंडिया में इस समय काफी सारे हैं, तो वहां पर 56 मिनट में आपकी ये गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है और आपको सिर्फ 90 रुपए देने पड़ते हैं। तो चार्जिंग स्टेशन आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा भविष्य में और आपकी गाड़ी जल्दी चार्ज भी हो जाएगी। कौन चाहेगा कि वो रास्ते में कहीं जा रहा है और 5 से 6 घंटे उसको चार्जिंग स्टेशन पर खड़ा रहना पड़े। इसीलिए चार्जिंग स्टेशन की जो मांग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और साथ ही आपको चार्ज कराने का जो पैसा है वो भी कम लग रहा है। लेकिन अगर आप इसको घर में चार्ज करते हैं तो आने वाले दिनों में बिजली बोर्ड की तरफ से आपको काफी सारी परेशानी आएगी और दबाव आएगा कि आपको अपना मीटर चेंज करवाना पड़ेगा, वहां पर भी जो फिक्स चार्ज है वो आपका बढ़ जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की डिमांड काफी ज्यादा हो रही है। आइए जानते हैं कि यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप इंडियन होने चाहिए और कम से कम 10th की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, या जिसके नाम से भी अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, साथ ही बैंक स्टेटमेंट यानी अकाउंट नंबर भी यहां पर अप्लाई में लगेगा। इसके अलावा आप जिस जमीन पर ये ईवी स्टेशन बैठाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, उस जमीन के लिए आपको वहां के सिटी के, शहर के लोकल अथॉरिटी, सरकारी ऑफिस से एनओसी लेनी पड़ेगी। साथ ही अगर आप 1 से 2 चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं तो अलग से आपको ट्रांसफार्मर भी लगवाना होगा अपने उसी जमीन पर, उसके लिए आपको बिजली बोर्ड से एनओसी लेनी पड़ेगी और वहां से सारी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ये सारी चीजें हो जाती है तो आप आसानी से ईवी स्टेशन के लिए किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां टाटा की बात कर रहे हैं तो टाटा में अप्लाई कर सकते हैं।
अब यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात आती है कि कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि अगर एक से दो चार्जिंग पॉइंट आप बनाते हैं यानी स्टेशन बनाते हैं तो आपका करीब 30 से 35 लाख का खर्चा आ जाएगा। इसमें आपका ट्रांसफार्मर, वो जमीन, इसके अलावा ऑफिस, कर्मचारी, ये सारा खर्चा मिलाने के बाद टोटल आपका करीब 30 से 35 लाख का खर्चा आएगा। टाटा में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको सिक्योरिटी मनी 2.5 लाख रुपए रखनी होगी, जो कि जब तक आपका स्टेशन चलेगा तब तक आपको रखनी होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट में 2.5 लाख रुपए रखने पड़ेंगे। अगर जमीन की बात करें तो आपके जमीन खुद के नाम से हो, रेंट पे हो, लीज पे हो, उसके जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको अप्लाई करते टाइम पे लगाने होंगे। आपकी जमीन कोई ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, छोटी भी नहीं होनी चाहिए, कोई क्राइटेरिया नहीं है जमीन को लेके, लेकिन गाड़ियों के निकलने और आने का एग्जिट और एंट्री पॉइंट काफी ज्यादा स्पेस वाला होना चाहिए। यानी इतनी जमीन होनी चाहिए आपकी कि 2-3 गाड़ियां वहां पर आ जाए और दूसरे लोगों को यानी दूसरे व्यवसाय वालों को कोई दिक्कत ना हो। साथ ही आपको मैन पावर भी रखनी पड़ेगी, कम से कम आपको 2 मैन पावर रखनी पड़ेगी, एक ट्रेंड मैन पावर और एक अनट्रेंड यानी कि हेल्पर। ट्रेंड जो है कंपनी से बार बार उसे ट्रेनिंग दी जाएगी स्टेशन खोलने से पहले और स्टेशन खोलने के दौरान समय समय पर उसकी ट्रेनिंग होती रहेगी ताकि वो किसी भी व्हीकल को सही तरीके से चार्ज कर ले और कोई भी टेक्निकल दिक्कत आती है तो उसको सही तरीके से वो निपट ले। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। तो अलग अलग स्टेट में जो बिजली विभाग का रेट है पर यूनिट का वो अलग अलग है, लेकिन यहां पर हम 7 रुपए मान के चलते हैं क्योंकि अधिकतर स्टेट में 6 रुपए 7 रुपए पर यूनिट बिजली का बिल आता है। तो यहां पर अगर आपका एक स्टेशन है तो दिन में करीब अगर 10 गाड़ियां भी आप चार्ज कर लेते हैं एक स्टेशन से तो एक गाड़ी का आप 90 रुपए लेते हैं तो दिन में आपका 900 रुपए हो गया। मान लीजिए कि 11 गाड़ी चार्ज हो जाती है तो आपका करीब 1000 रुपए के अराउंड बन जाता है। लेकिन कोई भी आज के टाइम पे कम से कम 2 से 3 चार्जिंग स्टेशन लगा रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पेस नहीं घेरते हैं, छोटे से स्पेस में चार्जिंग स्टेशन लग जाता है। तो अगर आपके पास 3 चार्जिंग स्टेशन है तो आप दिन में करीब 3000 रुपए आसानी से कमा सकते हैं और महीने का जो है 90000 रुपए आप आसानी से कमा सकते हैं। इस 90000 में से आपको अपने स्टाफ की सैलरी देनी होगी, ऑफिस के जो बिजली पंखे मेंटेनेंस का खर्चा है वो निकालना होगा पर मंथ, साथ ही आपको बिजली विभाग का जो चार्जिंग रेट है उसके हिसाब से उनको पे करना होगा और उसके बाद आपको काफी अच्छा खासा अमाउंट बच जाएगा। तो इस तरह से आप कमा सकते हैं और इस तरह से आपकी जो कैलकुलेशन करनी है। आइए चलते हैं कि कहां पर इसको अप्लाई करना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि चार्जिंग स्टेशन के साथ अगर आपकी जमीन थोड़ी सी भी बड़ी है तो आप कार रिपेयर शॉप भी खोल सकते हैं, साथ ही कार वॉश और कार की पॉलिश शॉप भी खोल सकते हैं। इससे आपको एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। आइए हम इसको अप्लाई करते हैं टाटा की वेबसाइट पर जाकर। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, टाटा पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन आपको सर्च करना है और tatapower.com की वेबसाइट आ जाएगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे कि मॉल के आगे खोलना है, रेस्टोरेंट के आगे खोलना है, खाली जमीन पर खोलना है या हाईवे के किनारे खोलना है। आपको उस पर क्लिक करना है, इसके बाद अपनी पूरी इंफॉर्मेशन भरनी है। जैसे कि आप जीमेल अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक बनाते हैं तो वही सारी इंफॉर्मेशन आपको भरनी है, नाम, आधार कार्ड, पता, पैन कार्ड नंबर, ये सारी चीजें। और जिस जगह पे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन खोलना चाहते हैं उसकी पूरी डिटेल और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपको लगाने हैं। यहां पर इंफॉर्मेशन सबमिट करने के 24 घंटे के अंदर आपको टाटा पावर कस्टमर केयर की तरफ से कॉल आएगा और वहां पर कॉल से आपको बहुत सारी जानकारी पूछी जाएगी और बताई भी जाएगी। स्टेशन अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो खुलने से 1 महीने पहले ऑनर को और उसके स्टाफ को बकायदा टाटा पावर की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी और आने वाले समय में हर 15 से 20 दिनों में ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो सही तरह से उस टाटा पावर स्टेशन की देखरेख कर सकें और गाड़ियों को सही तरीके से
चार्ज कर सकें। इस तरह से समय समय पर आपको ट्रेनिंग और निर्देश मिलता रहेगा टाटा की तरफ से, और आगे आने वाले दिनों में और भी ज्यादा ये खुलने वाले हैं। आपने देखा था पहले पेट्रोल पंप कम थे, लेकिन धीरे धीरे पेट्रोल पंप काफी ज्यादा हो गए। फिर सीएनजी कार की बात आई तो सीएनजी कार का जो फिलिंग स्टेशन होता था वो केवल बड़े शहरों में होता था, लेकिन आजकल सब जगह आपको मिल जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्जिंग स्टेशन है अभी कम मात्रा में है, क्योंकि गाड़ियां भी अभी कम बिकी हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये काफी ज्यादा संख्या में हो जाएंगी और हर छोटे से छोटे पेट्रोल के पंप के बगल में या शहर में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन देखने को मिल जाएगी। टाटा ने अभी तक 6000 चार्जिंग स्टेशन लगा रखा है टाटा पावर के अंडर में, और अलग अलग कंपनियों ने उतना ही मात्रा में लगा रखा है। आगे 2024 तक टाटा 1.5 लाख चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली है पूरे इंडिया में, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए और ईवी स्टेशन खोलने के लिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा।